वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू दरसगा उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज मैं उर्दू कवायद की क्लास में इजाफत की कस्में लेकर हाजिर हुई हूँ आइए वीडियो शुरू करते हैं इजाफत की कस्में सबसे पहले किस्म है इजाफत तमली की दूसरी किस्म है इजाफत जरफ़ी तीसरी कस्म है इजाफत बयानी चौथी कस्म है इजाफत इस्तारा पाँचवी कस्म है इजाफत तोसी छठे किस्म है इजाफत तखससी सातवीं किस्म है इजाफत तशबीही सबसे पहले देखते हैं इजाफत तमलीगी किसको कहते हैं वो इजाफत है जिसमें इले मालिक और मुजाफ ममलूक हो यानी इजाफत तमलीकी वो इजाफत है जिसमें इले यानी जिसकी तरफ इजाफत की गई हो जिसकी तरफ नस्बत की गई हो वो मालिक हो और जिसकी नस्बत की गई हो वो ममलूक हो जैसे अकबर का घोड़ा तो अकबर क्या है इसमें मालिक है यानी घोड़े का, तो तो का मालिक है तो क्या हो गया अकबर मुजाफिले यानी इसमें बताया गया है कि मुजाफिले मालिक हो तो अकबर क्या है मुजाफ इले है क्योंकि घोड़े की नस्बत अकबर की तरफ की जा रही है तो घोड़ा क्या हो गया ममलूक हो गया इसी तरीके से नाहिद की किताब देखिए नाहिद मालिक है किताब की तो नाहिद हो गया मुजाफिले और किताब हो गया मुजाफ तो मुजाफिले क्या हो गया मालिक और मुजाफ हो गया ममलूक दूसरी किस्म है इजाफत तोजहही वो इजाफत है जिसके जुमले में कोई बात आम हो मगर उसकी वजाहत करके उसको मखसूस कर दिया जाए यानी जुमला तो वो आम हो सेंटेंस तो वो आम हो मगर जब हम उसका एक्सप्लेन करेंगे तो उसको ख़ास कर देंगे उसमें मुजाफ़िले क्या होता है यानी जिसकी तरफ नस्बत की जा रही है वो ख़ास होता है और मुजाफ जिसकी नस्बत की जा रही है वो आम होता है जैसे लाल किले की दीवारें तो लाल किला क्या है ख़ास है और दीवारें क्या हो गई आम हो गई और लाल किला क्या है इसमें मुजाफिले हैं और दीवारें हैं मुजाफ़ यानी मुजाफ की नस्बत मुजाफ़ इले की तरफ़ की जा रही है तो मुजाफ़ इले क्या हो गया है? लाल किला यानी दीवारों की नस्बत की जा रही है दीवारों की इजाफ़त जो की जा रही है वो की जा रही है लाल किले की तरफ़ तो लाल किला क्या है ख़ास है क्योंकि लाल किला एक ही है बहुत सारे लाल किले नहीं हैं तो और दीवारें क्या हैं वो आम हैं तो यहाँ पर क्या हो गया वजाहत के वक्त इसको क्या कर दिया गया लाल किले को मखसूस कर दिया गया तो इसको क्या कहेंगे इजाफत तोजीही इसी तरीके से देखिए आम का बाग तो आम क्या हो गया इसमें मुजाफ इले हो गया और बाग हो गया मुजाफ तो मुजाफ की नस्बत किसकी तरफ की जा रही है मुजाफ इले की तरफ और मुजाफ इले इसमें क्या हो गया ख़ास क्योंकि बाग जो है वो आम का है इसीलिए ख़ास हो गया और बाग क्या है इसमें आम है क्योंकि किसी भी चीज़ का बाग हो सकता है लेकिन यहाँ पर जो नस्बत की जा रही है ख़ास करके वो आम की तरफ की जा रही है तो ये क्या हो गया आम इसमें क्या हो गया यानी मुजाफिले क्या हो गया ख़ास हो गया और मुजाफ़ यानी जिसकी नस्बत की जा रही है वो हो गया आम यानि बाग आम है इसमें और आम क्या हो गया इसमें ख़ास हो गया उम्मीद है आपको इजाफत तोजहही की तारीफ़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तीसरी किस्म है इजाफत ज़रफी इजाफत जरफ़ी इजाफत की वो किस्म है जिसमें मुजाफ इले क्या हो गया जर्फ यानी जर्फ से मुराद क्या है कोई जगह या बर्तन और मुजाफ क्या हो गया मजरूफ तो मजरूफ से क्या मुराद है यानी वो चीजें जो किसी बर्तन में या किसी जगह पर हो तो इसको क्या कहेंगे इजाफत जरफ़ी कहेंगे तो मैंने यहाँ पर देखिये दो मिसाल दी है कुएं का पानी और टोकरी के आम यहाँ देखिए कुएं का पानी और दूसरे मिसाल देखिए टोकरी के आम देखिए इसमें कुएं और टोकरी क्या है ज़र्फ़ है ज़र्फ़ यानी कोई जगह या बर्तन तो क्या है टोकरी और कुआ क्या है बर्तन की मानिंद है यानी कुएं में पानी है और टोकरी में आम है तो ये क्या हो गए ज़र्फ़ हो गए जबकि पानी और आम क्या है मजरूफ़ है यानी वो चीज़ जो किसी बर्तन में या किसी जगह पर हो यानी आम और पानी क्या है किसी बर्तन या जगह में है यानी टोकरी और कुएं में हैं तो इसमें का यानी कुएं का पानी और के टोकरी के आम तो इसमें जो का के हैं वो क्या है? इजाफते जर्फी हैं जरफी हैं चौथी किस्म है इजाफते तखसीसी। इसको इजाफत नस्बती भी कहते हैं ये वो इजाफत है जिसमें मुजाफिले के सबब से मुजाफ में कोई खसूसियत या नस्बत पैदा हो जाए मुजाफिले किसको कहते हैं जिसकी तरफ नस्बत की जाए यानी मुजाफिले के सबब से मुजाफ़ यानी जिसकी नस्बत की जाए उसमें कोई खसूसियत या नस्बत पैदा हो जाए तो उसको कहेंगे इजाफत तखससी जैसे तुम्हारा भाई और हमारा मकान अगरचे इन जुमलों में काकी नहीं आए हैं मगर खसूसियत के बायस खसूसियत क्या हो गई इसमें यानी तुम्हारा भाई हमें इसमें खास किया जा रहा है कि वो तुम्हारा भाई है और हमारा मकान यानी इसमें ख़ास किया जा रहा है कि ये हमारा मकान है तो इसमें क्या है खूसियत की वजह से इजाफत पाई जा रही है तो इसको क्या कहेंगे इजाफत तखसीसी कहेंगे हालांकि इसमें का की की इजाफत नहीं है लेकिन खसूसियत की वजह से इसमें इजाफत पाई जा रही है तो इसको कहेंगे इजाफत तख्ीसी पांचवी किस्म है इजाफत बयानी इजाफत बयानी वही इजाफत जिसमें मुजाफ उस मादे से बना हो जो मुजाफ इले है मिसाल के साथ देखेंगे आपको फौरन समझ में आ जाएगा जैसे पीतल का लोटा लोहे का दरवाज़ा तो पीतल क्या है मादा है और लोहा भी क्या है मादा है और दोनों क्या हो गए मुजाफ इले और लोटा और दरवाज़ा क्या हो गया मजाफ मजाफ की नस्बत की जा रही है पीतल की तरफ यानी लोटे की नस्बत की जा रही है पीतल की तरफ़ और दरवाज़े की नस्बत की जा रही है लोहे की तरफ तो इसमें क्या था इजाफत बयानी वो इजाफत है जिसमें मुजाफ उस मादे से बना हो जो मजाफले है तो मजाफले क्या है पीतल और पीतल से पीतल क्या है मादा है और मादे से क्या बना है लोटा इसी तरीके से लोहा क्या है मजाफिले है और लोहा क्या है मादा है और मादा से क्या बना है मजाफ और मजाफ़ कौन सा है दरवाज़ा उम्मीद है इजाफत बयानी की तारीफ़ अच्छे से समझ में आ गई होगी छठे किस्म है इजाफ़त तशबी ही तशबीही में मुशब्बा और मुशबा बिही का होना लाजमी है तो मुशब्बा किसको कहते हैं जिसकी तशबी दी जाए और मुशबा बिही जिससे तशबी दी जाए तो यानी इजाफत तशबी में ये दोनों लाजमी होंगे बस इन दोनों के दरमियान जो भी इजाफत काकी आएगी वो इजाफत तशबी कहलाएगी जैसे गुस्से की आग तो गुस्सा तेज होता है उसकी तस्बी किससे दी जा रही है आग से दी जा रही है और पत्थर का जिगर जिगर किसी का मजबूत हो तो उसकी जो तस्बी दी गई है इसमें पत्थर से दी गई है तो इसमें जो की और का आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे इजाफते तस्बीही सातवीं और आखिरी किस्म कौन सी है इजाफत इस्ते यानी मुस्तार और मुस्तार मिनहू के दरमियान जो इजाफत आती है उसे इजाफत इस्ते कहते हैं तो सबसे पहले समझते हैं इसतियारा किसको कहते हैं इसतियारा के लघवी माने कि अगर बात की जाए तो कर्ज लेने या उधार लेने के माने में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इल्मुल बयान की उसे इसतारा से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ के लिए दूसरी चीज की सिफात इस तरह ले लेना कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबी का ताल्लुक पाया जाए तो इसको क्या कहेंगे इस्तियारा कहेंगे इस्ते का मकसद क्या होता है यानी किसी भी चीज़ को आर्जी तौर पर लेकर वापस कर देना जैसे माँ अपने बेटे को कहे कि मेरा चांद तो चाँद के लिए अल्फा जो है वो मुस्तार लिए गए हैं यानी इस के तौर पर लिए गए हैं ये हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे और इसी तरीके से दूसरी मिसाल लीजिए जैसे हमारे शेरों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेरों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए यहाँ शेरों से मुराद सिपाही मुराद हैं तो ये अल्फाजी मुस्तार लिए गए हैं हमेशा के लिए नहीं लिए गए हैं तो ये बात याद रखनी चाहिए कि मजाजी और हकीकी मानों में तशबी का ताल्लुक़ पाया जाता है इसी तरीके से कहेंगे मेरा चाँद आ गया है तो यहाँ चाँद भी खूबसूरत है और वो शख़्स भी खूबसूरत है जिसकी चाँद से तशबी दी जा रही है यानी आर्जी तौर पर उसको हम बोलेंगे चांद हालांकि वो चांद नहीं होगा सिर्फ़ हम उसको बोल सकते हैं हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसी तरीके से इसको कहेंगे इस्तियारा तो अब देखिए आपको समझ में आ जाएगी इस्तियारा की तारीफ इजाफत इस्तियारा मुस्तार और मुस्तार मिनहू के दरमियान जो इजाफत आती है तो उसे इजाफत इस्तियारा कहते हैं जैसे हया की चादर तो हया क्या है यहाँ पर मुस्तार मिनहू है और चादर क्या है मुस्तार है तो मुस्तार और मुस्तार मिनहू के दरमियान जो इजाफत आती है यानी की की इजाफत यहाँ पर आ रही है तो इसको क्या कहेंगे इजाफ़त इसत आरा तो ये, लेकिन ये हया जो है वो आजी तौर पर यानी इसतारा के तौर पर इस्तेमाल की गई है हमेशा के लिए नहीं की गई है उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको इजाफत की किस्में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए सबक के साथ आपसे रूबरू होंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़